तो जैसा कि हम पहुंच चुके हैं श्री देवी पाटन इंटर कॉलेज अमेठी, जनपद अमेठी में, और यह गौरीगंज रोड है। तो अभी मंदिर के दर्शन हम आपको कराने वाले हैं, और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम आप सभी को दर्शन कराएंगे। एक्चुअली वीडियो कब अपलोड होगा ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये देखिए श्री देवी पाटन मंदिर अमेठी, जनपद अमेठी। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आई डोंट नो अबाउट दैट अंदर सूट अलाउ है या नहीं। और शेरावाली के दरबार में ये देखिए आप, यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। ये हमारे पांडे जी मंद मंद मुस्कान में माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं। आपका पूरा नाम क्या है पांडे? दिनेश कुमार पांडे। दिनेश कुमार पांडे। निवास स्थान? बरना मुसाफिरखाना। बरना मुसाफिरखाना। तो फिलहाल यहाँ के बारे में कुछ जानकारी है आपको? अभी तो नहीं। ये भी दूर दराज के रहने वाले हैं हमारी तरह, और ये शनिदेव का मंदिर आप देख रहे हैं, और बगल में ये देखिए गणेश भगवान, और यहाँ पे है काली जी की मूर्त। काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी जगह पर्याप्त है यहाँ पे, और इस तरफ आपको गौशाला मिल जाएगी। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आपको बता दें, गौरीगंज से लमसम 11 या 12 किलोमीटर की दूरी पे अमेठी में गौरीगंज रोड पे ये मंदिर आपको मिल जाएगा, देवी पाटन मंदिर अमेठी। ये हनुमंत लाल की मंदिर है, और यहाँ पे लमसम सभी देवी देवताओं के मंदिर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए राधा कृष्ण की सब एक एक करके आपको दर्शन करा रहे हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के वीडियो अपलोड किया करते हैं, और काफ़ी जगह के वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे। ये देखिए देवों के देव महादेव, और ये शीतला महारानी विराजमान हैं बड़े भव्य रूप में। तो माता रानी की महिमा आप सब पे बनी रहे, और ये यज्ञशाला आपको दिख रही है सामने। तो फिलहाल एक कुआं भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाल पड़ी हुई है, और अंदर की गहराई अंधेरा होने की वजह से नहीं दिखा सकते आपको। ये देखो महादेव का शिवलिंग, एक और यहाँ पर विराजमान है। तो फिलहाल ये एक पोस्टर और लगा हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, और ये माता जी की आरती, और ये माता जी का पिंडी रूप जिसके आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो फिलहाल यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि
इसको दे दीजिए। सभी देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पे विराजमान हैं, और जैसे गजानन भगवान, शीतला महारानी, राधा कृष्ण और महादेव जी, हनुमंत लाल। तो फिलहाल आप देख ही रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से, मैं अंबेश मिश्रा इसी प्रकार की वीडियो अपलोड किया करता हूँ। लाओ पहले हम चढ़ाई ना फोटो ली, इन्हों को वायरल कर दिया जा भैया। ये हमारे पांडे जी, ये तिवारी, तार का पूरा नाम धीरेन्द्र तिवारी, फ्रॉम खानापुर छपरा, चपरा जो गाँव में नाम वही मेरा है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ओ अमेठी ना। तो सुनो ये तिवारी जी, तो आप प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हो, तो कुछ तो जानकारी होगी मंदिर के बारे में, कुछ बताओ कब स्थापना हुई, कब बना। हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, स्थापना वगैरह यहाँ सब लिखा हुआ है, ये बता रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, ये 2013 स्थापित 1 मई 2013 तो लिखा है, ये 15 अगस्त 2013 राधा कृष्ण की संकट मोचन मंदिर एवं सत्संग भवन। यहाँ पे क्या है हम आपको दिखा देते हैं, ये एक एरिया बच गया है, ये देखिए भैया, ये सत्संग भवन है, यहाँ पे सत्संग होता है, और वो तो अच्छा है कि हमारा ध्यान चला गया इस तरफ, नहीं तो ये सत्संग भवन छूट जाता, और काफ़ी पर्याप्त जगह है यहाँ पे भक्तों को बैठने के लिए। तो फिलहाल इसी प्रकार के वीडियो अपलोड किया करते हैं, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो मैंने माँ कामाख्या भवानी, अहरौन भवानी और बहुत से देवी स्थल, तीर्थ स्थल पे जाके वीडियो शूट किया है। हमारे चैनल पे विजिट करके एक बार आप ज़रूर चेक कीजिए, और जगह जगह की वीडियो अपलोड किया करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये जल की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है, तो वीडियो इसी पे स्किप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद।